फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का हमें स्ट्रक्चर ड्रा करना है, उसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, ये फॉर्म कैसे होता है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप बनाइए एक बेंजीन रिंग, ऑल राइट, एंड बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच करेंगे OH। इसका नाम क्या है, इसको हम कहते हैं फिनॉल। एंड जो ये फिनॉल है, इसके दोनों ऑर्थो पोजिशन, ये है आपका ऑर्थो, ये है ऑर्थो, एंड ये क्या है पैरा पोजिशन। दोनों ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे क्या लगा रहता है, NO2 ग्रुप। NO2 को हम बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, NO2। तो इसी को हम बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यही हमारा है पिक्रिक एसिड। ये फॉर्म कैसे होता है, ये हमारा फिनॉल, ठीक है, OH, इसको हम फिनॉल कहते हैं। जब फिनॉल का नाइट्रेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ठीक है। जब फिनॉल कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है, इसका नाइट्रेशन होता है, तो वहाँ पे आपका फॉर्म होता है पिक्रिक एसिड, OH, NO2, NO2 एंड NO2, ठीक है, इसका फॉर्मेशन होता है। जो एसिड है वो क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। अब अगर हम बात करें इसका IUPAC नाम लिखने के लिए, तो इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको नंबरिंग करना है। तो ये रहा आपका फिनॉल का H, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है, हमने नंबरिंग कर दिया। अब नाइट्रो कौन कौन से पोजीशन पे है, 2 पे है, 4 पे है, 6 पे है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, आप लिखेंगे 2, 4, 6, क्योंकि एक 2 पे है, फिर 4 पे है एंड 6 पे है, तो 2, 4, 6 3 बार है सेम चीज़, तो उसके लिए हम लिखेंगे ट्राई। एंड NO2 का नाम क्या है, नाइट्रो, ठीक है, और इसका पूरा नाम क्या है, ये जो हमारा है इसका नाम है फिनॉल। तो इसका IUPAC नेम क्या होता है, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, एंड इसका जो नेम है, कॉमन नेम, वो है पिक्रिक एसिड, और इसी को हम क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड कहते हैं, ठीक है। ये आपका फिनॉल है and this is picric acid, so this was all about picric acid।